वो आ गया है, तुम जा सकते हो। चलो चाचा। चलो जल्दी, लगता है उसने हमें पूरा ठगा। कैसी है बिटिया? हाय चाचा। अरे आजा आजा। ये लो तुम्हारी। ए कहाँ चले गए सब लोग? मार्केट गए हैं, दोपहर तक लौटेंगे। अच्छा। आप अंदर आइए। इसे खाना नहीं देती हो क्या? दिन ब दिन पतली हो रही है। वो बस लंबी हो रही है। फादर, क्या तुम अपना पोशाक बदलोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तो क्या हुआ, इसमें भी बात कर सकते हैं? मुझे डांटना है क्या? जब तुम इस पोशाक में होते हो तुम्हारे खुद के पिता भी तुम्हें फादर बुलाते हैं। वो तो करना पड़ेगा, सही कह रहा हूँ ना? तुम फादर हो या गुंडे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ऐसे काम में मत पड़ो। कसम से पापा, कभी कभी लोग हाथ से निकल जाते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूँ, कुछ लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब नहीं सुनते हैं ना तो मैं उनको मारता हूँ, वो भी बस थोड़ा सा। अरे ऐसा हमारा सिस्टम है और वो उनको पसंद नहीं आता। अरे तो मेरा मतलब है कि जो तुम्हारे पास कन्फेस करने आते हैं उनपे हाथ उठाना पाप नहीं है क्या? कैसा पाप है उसमें? अरे कभी कभी जीसस मुझे खुद बताते हैं कि आदमियों पर थोड़ा कठोर बनो, तो मैं उनको अपने चेंबर में लेके चला जाता हूँ। अरे यहाँ देखो ना, अगर मैं परमेश्वर की बात नहीं मानूंगा तो ये तो पाप होगा ना। परमेश्वर जैसा कहता है फादर बिल्कुल वैसे ही करता है। जरा देखो कैसे शर्मा रहे हैं। ठीक है ठीक है। शेरिन, तुम्हें पता है ये फादर कैसे बना? मुझे बेइज्जत करना है क्या अभी? ये सातवीं में था जब इसके पापा को ये आइडिया आया। अरे उस वक्त सिक्स की गर्मियों की छुट्टी थी। हाँ, वो सिक्स की गर्मियों की छुट्टी थी जब इसके पिता ने इसे उलझा दिया। अच्छा माँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ओ दादी, चलो अंदर चलो। चलो चलो आओ बच्चों, आ जाओ अंदर चलो। अंत पानी ना? हाँ। देखिए ना उसने क्या किया है, मेरी बेटी को वहाँ ऊपर बंद कर दिया उसने। दरवाजा खोल जो कुटन। ठीक है। एक गुंजा, दरवाजा खोल। अब देखो मैं कैसे दरवाजा खोलता हूँ। आइए चलिए। फादर चलूंगी। अगर हम सभी वहाँ पर जाएंगे तो हमारे पहुँचने तक पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ए अंतापनी आओ, और वो मक्कली को भी बुलाओ। चलो तुम चलो। रुको रुको रुको, मैं देखता। अरे देखता हूँ, अब कुछ नहीं होगा। चुप रहोगे क्या? हम उससे बात करेंगे ना। बच्चे को बाहर निकालो। फादर बात मेरे पैसों की है, आप बीच में मत आइए। चुप कर, जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकालेगा कुछ बोलने का नहीं। सुना नहीं? बाहर निकालो। देखिए इसकी हरकत। चल बाहर आजा। मेरी बच्ची मेरे पास आ। ये जो कुटन, तू और तेरे पिताजी मुझको फादर बुलाते हैं, और मरने से पहले तेरे दादाजी भी मुझे फादर बुलाते थे, इसलिए मुझे बीच में आने का हक है। अब ज्यादा कुछ बोलेगा ना तो सही कह रहा हूँ ना मैं? करेक्ट है। और फादर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। उसे कितने पैसे देने? बोल। 30,000 रुपए और 8 महीने का ब्याज। पूरा कितना हुआ बोल? 50,000 रुपए। सही है क्या? 30,000 है फादर, बाकी तो सब ब्याज है। ये बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। यही तो मेरी कमाई है। बेटी तुम्हें इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो जोकुटन ने बस थोड़ी सी शरारत की, वो ऐसे दोबारा नहीं करेगा, ये लास्ट टाइम है ना जोकुटन? अरे कुंजो दे दो पैसे। फादर उसे से मुंह तुम कुछ मत बोलो। बड़ा आया बात करने वाला। चुप रहे, थोड़ा कम हो तो चलेगा। ये लो। पूरा क्यों दे रहे हैं आप? बस इतनी सी बात थी ना, और तूने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। आज पूरा गांव यहाँ पर तेरी वजह से आया है। अब तो तुझे तेरे पैसे मिल गए हैं ना, खुश हो गया ना तू? अब रात को घर जाने से पहले चर्च में कन्फेशन के लिए आ जाना। क्यों इस छोटी बच्ची की बद्दुआ अपने सर पे लेना चाहता है? ये जिंदगी एक बिजली के तार पर बैठे हुए कौवे की तरह होती है, किसी भी तरह करंट लग सकता है तुझे, और तू ऐसे काम करता है। कन्फेशन के लिए आ जाना, मैं तेरी राह देखूंगा, ठीक है ना? मैं आ जाऊंगा। और तुम हर संडे 1,000 रुपए चर्च को देना, समझे? इसकी भरपाई होने तक अगर मैंने तुम्हें कभी ताड़ी की दुकान या बार में देखा ना तो कसम से बोलता हूँ फादर, अब नहीं पीऊंगा। बेटी की कसम कभी नहीं पीऊंगा, आपकी भी कसम। हाँ सब ठीक है, चलो सब लोग घर जाओ, तमाशा खत्म हो गया है। मैंने कहा था ना फादर सब ठीक करेंगे। चलो 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 चलो।
लगता है आज रात को यहाँ बारिश होगी, है ना मक्कली? हाँ जरूर होगी, बिजली गिरने वाली है। तुम्हें लगता है कि फादर सो गए होंगे? नहीं यार, लाइट जल रही है, वो शायद तुझे लेक्चर देंगे। बस समय बर्बाद करेंगे मेरा और क्या। आप जो है ना अपनी धोती नीचे कर लो, कहीं वो इस बात का बुरा ना मान जाए। फादर, हाँ जॉय कुट्टन आया है कन्फेशन के लिए। आने दो उसे अंदर। उन्होंने तुम्हें अंदर बुलाया, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। तुम्हें भी कन्फेशन करना है क्या? नहीं नहीं, परमेश्वर दया दिखाना। ये क्या फादर? कुछ कन्फेशन ऐसे हैं जो मैं फादर के पोशाक में नहीं ले सकता, ये मेरा नया स्टाइल है। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस छोटी सी बच्ची को बंद करने की? सुन, जब अंतापानी को तूने पैसे उधार दिए थे तो उससे वापस लेना, उसके परिवार को बीच में क्यों घसीटा तूने? और सुन, कौन सा बिजनेस करता रहे तू चौक पर? फोटोस और कौन सा? और इस हफ्ते तूने कितना कमाया बोल जल्दी। इस हफ्ते कुछ नहीं, कुछ नहीं। झूठ बोलता है? मुझे पता है वहाँ तेरा कोई बिजनेस नहीं चलता है, वहाँ पर तू काम करता है ड्रग्स, दारू और लड़कियाँ बेचने का। दुकान तो बस नाम के लिए करता है ताकि तू मजे ले सके। हाँ सही है ना? इधर आ, इधर। जब तुझे दरवाजा खोलने के लिए बोला तो तूने चाबी मेरे मुंह पर फेंकी। हाँ बोलना, मेरे साथ खेल खेलेगा? अब यहाँ से बाहर निकलते ही सीधा चौक पे जाने का, और तुझे दुकान से जो चाहिए वो ले ले और शटर बंद करके आ जाना, समझा? वो शटर मुझे बंद दिखना चाहिए। और अब से कोई भी फोटो दिखाना, गांव में पैसे उधार देना, ये सारा धंधा बंद। कल सुबह अपने पिता के खेत में जाना और खेती करना, समझ गया ना? और यहाँ पर गंद मचाना बंद कर दे, ये मेरा आदेश है। महीने या हफ्ते में एक दो बार अपने माँ से मिलने जाना, चल निकल। अरे आराम से, बस बस सीधा सीधा। आज तूने शटर बंद नहीं किया ना जोकुटान? सुना कुछ? इस जगह पर मैं कोई भी आदेश देता हूँ ना तो वो फाइनल होता है, वरना। इसके साथ और कौन था? वो बच्चन। कौन है वो बच्चन? वो वहाँ है। यारे आजा आजा आजा, तू जा, अभी बारिश हो सकती है। अब जाओ जाओ संभाल के। और इसका क्या करना है? अच्छा हाँ जरा सुन, तू भी इसके साथ चले जाना। अब देख क्या रहा है। कुछ नहीं फादर, चल जा इसके साथ, कल मिलते हैं। संभाल के जाना। सुनो, तुमसे पहले मैं कन्फेशन दे रहा था। हाँ हाँ चलो 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 ना। राजेंद्र, तुम्हारा टेढ़ा और दो नंबर का सौदा मुझे पसंद आया, लेकिन उसे ब्रिज के उस पार ही रखना, इधर मत लाना। कैसी बात कर रहे हैं भाई, मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम दोनों से बात कर रहा था, मुझे इस धंधे में बीच का आदमी नहीं चाहिए। भैया मैं कर सकता हूँ ताकि हम दोनों को फायदा हो सके। देखो बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बिठाया कि तुमने सफेद कपड़े पहने हैं या तुम MLA हो। तुम्हारे बूढ़े दादाजी है ना, उनकी वजह से, पता है? वो आ गया, तुम जा सकते हो। चलो चाचा। चलो जल्दी, लगता है उसने हमें पूरा ठगा। कैसी है बिटिया? हाय चाचा। अरे आजा आजा। ये लो तुम्हारी। ए कहाँ चले गए सब लोग? मार्केट गए हैं, दोपहर तक लौटेंगे। अच्छा। आप अंदर आइए। इसे खाना नहीं देती हो क्या? दिन ब दिन पतली हो रही है। वो बस लंबी हो रही है। फादर हाँ, क्या तुम अपना पोशाक बदलोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तो क्या हुआ, इसमें भी बात कर सकते हैं? मुझे डांटना है क्या? जब तुम इस पोशाक में होते हो तुम्हारे खुद के पिता भी तुम्हें फादर बुलाते हैं। वो तो करना पड़ेगा, सही कह रहा हूँ ना? तुम फादर हो या गुंडे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ऐसे काम में मत पड़ो। कसम से पापा, कभी कभी लोग हाथ से निकल जाते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूँ, कुछ लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब नहीं सुनते हैं ना तो मैं उनको मारता हूँ, वो भी बस थोड़ा सा। अरे ऐसा हमारा सिस्टम है और वो उनको पसंद नहीं आता। मेरा मतलब हाँ। है कि जो तुम्हारे पास कन्फेस करने आते हैं उन पे हाथ उठाना पाप नहीं है क्या? कैसा पाप है उसमें? अरे कभी कभी जीसस मुझे खुद बताते हैं कि आदमियों पर थोड़ा कठोर बनो, तो मैं उनको अपने चेंबर में लेके चला जाता हूँ। अरे यहाँ देखो ना, अगर मैं परमेश्वर की बात नहीं मानूंगा तो ये तो पाप होगा ना। परमेश्वर जैसा कहते हैं फादर बिल्कुल वैसे ही करता है, जरा देखो कैसे शर्मा रहे। ठीक है ठीक। शेरिन तुम्हें पता है ये फादर कैसे बना? मुझे बेइज्जत करना है क्या अभी? ये सातवीं में था जब इसके पापा को ये आइडिया आया। अरे उस वक्त हाँ? सिक्स की गर्मियों की छुट्टी थी। हाँ वो सिक्स की गर्मियों की छुट्टी थी जब इसके पिता ने इसे उलझा दिया। अच्छा माँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? ओ दादी आओ, चलो अंदर चलो। चलो चलो आजा। आओ बच्चों आजा। अंदर चलो। आ,
हाँ पापा। बेटा मुझे तुमसे एक बहुत ही सीरियस बात करनी है। यही ना कि मैं मारा मारी ना करूं। तुम जितना झगड़ा करना चाहो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो फिर क्या पापा? देखो बहुत समय पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले, जब तुम अपनी माँ की कोख में थे हैं? उस समय तुम्हारे नाना और नानी ये कसम लेना चाहते थे कि वो तुम्हें फादर बनाना चाहते हैं। तब मैंने मना कर दिया था कि हम तुम्हें आखिर फादर क्यों बनाएंगे हैं? पर अब मेरी एक इच्छा है बेटा, अब मैं कसम लेना चाहता हूँ तुम्हें फादर बनाने की। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये बात पसंद है? नहीं पापा, मुझे पुलिस वाला बनना है और सबको मारना है। किसने कहा कि फादर लोगों को मार नहीं सकते, बस किसी को पता नहीं लगना चाहिए। पर फिर भी मुझे पुलिस वाला बनना है। बोलिए ना इसे। देखो बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। पहले तुम बड़े हो जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जाओ, अपनी बॉडी वगैरह बनाओ, पुलिस वाले बनो, उसके बाद तुम फादर बन जाना, ठीक है ना? हाँ, कैसे लगी बात? तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो पहले तुम पुलिस वाले बनोगे, एक बहादुर पुलिस। बहुत अच्छा दिख रहा है बेटा, यूनिफॉर्म तुम पर बहुत अच्छी जच रही है। 18 सालों तक मैं पासिंग आउट परेड के लिए बैठा हूँ। तुम्हें पता है कितने ऑफिसर्स मेरे सिले हुए यूनिफॉर्म पहनते हैं और बड़े अफसर बन जाते हैं। अरे थैंक यू। खूब तरक्की करो। ये थोड़ा टाइट है, लूज कर सकते हैं क्या? हाँ जेरी। अरे वो हरकत का बिनी तुम्हारे अंकल के साथ लड़ रहा है। अच्छा, और वो अभी हॉस्पिटल में है। उसका गला काट दूंगा मैं। ए बने, तू कोम्बनिल का छोकरा है ना, कब से पुलिस वाला बन गया? जानता है, जब मैं 10वीं कक्षा में था ना, तो एक आदमी ने मेरी माँ को गाली दी थी, तभी मैं पहली बार पुलिस वाला बना था। और उसके बाद तो बहुत सारे मौके आए थे मेरे सामने, समझा? अरे बने बाहर आ। ए अबे बुड्ढे, रास्ते से हट, चल दो। हमने तुम्हारे अंकल को वही दिया जिसके वो हकदार थे, और जब वो बाहर आएंगे तो दोबारा करेंगे। तुझे भी चाहिए क्या? जो तूने मेरे अंकल को दिया वही तुझे देने के लिए आया हूँ। हम जो एक बार किसी को दे देते हैं ना, तो वापस लेने की आदत नहीं है। तेरी भारो। क्या देख रहे हो? भारो उसे। क्या बोला तूने? आगे मेरे घर पे आके तमाशा करोगे? अबे तेरी फट। जाके रोकना उसे। ए शबाल, मार उसे। अब क्या बाबा? हो गया? हाँ, मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था। चल अंदर बैठ। लगता है मुसीबत हो गई। क्या हुआ भाई? अब क्या हमें रोड पे ही सेटलमेंट करना होगा? पुलिस स्टेशन आ जाते तो वहाँ बैठ के आराम से चाय पी के बात करते। तुम्हारा मतलब तुम्हारे पिता की दूसरी शादी में? क्या चाय पर बात करनी है? तुम्हें कोई भी बात करनी है, मेरे वकील से बात करो। यहाँ तुम मेरी गाड़ी में बैठो। अरे छोड़ना यार, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे लगता था कि मेरे बेटे के साथ स्टेशन जा पाएगा? ये यहाँ नहीं खत्म होगा। होगा तो जा और यूनिफॉर्म बदल के अभी।
वैसे तू खत्म कर सकता है यहाँ पे अभी। थाने जाके कुछ और ऑफिसर्स को लेके आ, फिर देखते हैं, यहीं सेटल करते हैं। तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे आंखें दिखाता है। अरे बाप रे बाप। अगले दिन मैं उसे सेमिनार ले गया। अगर मैंने इसे पोशाक नहीं पहनाई होती तो मुझे सूली पे चढ़ा देता। असंभव, तुम्हारे पिताजी भी कोई कम नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। तुम सुनते जाओ, बहुत कहानियां बाकी हैं। इससे भी बहुत बड़ी अगर सुनोगी ना तो घर छोड़ के भाग जाओगी। और आखिर में मुझे बस एक ही बात कहनी है। चर्च के फेस्टिवल के दौरान एक पुराना रिवाज होता है, पुराना हिसाब चुकता करना। इस बार वो तो नहीं हो सकता। अगर तुम्हें पुराना हिसाब चुकता करना है तो वो फेस्टिवल से पहले करो। बूढ़े औरतें और बच्चे फेस्टिवल में आने वाले हैं। अगर उस दौरान किसी ने बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की ना, कोई मार रहा है, कोई मार खा रहा है और कोई देख रहा है, तो उन सबके लिए मैं हूँ। चर्च का योगदान होगा, सबके लिए फ्री। ये काम खुद मुझे परमेश्वर ने सौंपा है, समझे? और मैं उनके इशारों पर चलूंगा। तो अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की ना तो उनको मैं देखूंगा। फादर, एक बात हम भूल गए। लड़कियों को छेड़ने वाले ना, अरे उनको भी मैं देख लूंगा। वो नहीं, पिछली फेस्टिवल के वक्त हमने बात की थी कि सभी भक्तों को हमें खाना खिलाना होगा। मैं तो ये भूल ही गया था। इतने पैसे तो नहीं है। एक बार जिंदा ऊपर जाएगा, तालाब के दोनों तरफ से भक्त आएंगे, कोई भी आए, किसी भी समय आए, हमें उनको खाना देना ही पड़ेगा और हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम इस चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अब हमें इस काम को मिलजुल कर करना होगा। फादर, उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा खाना बनाते हैं, ओ, फिश करी उन सब के साथ। तो बढ़िया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर कोई ताड़ी की दुकान पर रुकेगा तो उसको ताड़ी फ्री में मिलेगी। क्या कहा? अप्पम और बीफ करी, मैं बस दोनों के साथ में ही बोल रहा हूँ। अच्छा, अपम्स और करी जॉय की तरफ मतलब से लिख लो। दोनों दोनों में से एक ही है ना? अरे नहीं, वो मैंने पहले ही लिख दिया। दोनों लिख देते हैं ना। अरे कुछ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ताड़ी दुकान की करी बहुत अच्छी होती है। फादर, इतना सब खाना खाकर कुछ लोगों का बर्ताव बिगड़ सकता है, तो क्या हमें ये करना चाहिए? अरे कर ही देते हैं यार। चलो, सारे काम तो हो गए, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। फादर, क्या सीनियर फादर भी आएंगे यहाँ पे? फादर एक दिन पहले यहाँ पर आ जाएंगे, अब तो खुश हो ना आप। चलो, सब कुछ सेट हो गया, आप लोग जा सकते हो। तुम हमेशा पापा के साथ ही क्यों रहती हो? इसका क्लास व्लास कुछ भी नहीं है। ये मेरे साथ रहती है तो कुछ हरकतों से मुझे बचा लेती है। ठीक है, मैं मिलता हूँ। पापा कैसे हैं? उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। दिन में कम से कम 4 पैग होते हैं। उनकी हालत तो अच्छी है, डॉक्टर कह रहे बस उनकी लीवर थोड़ा सा खराब हो गया है। इस रफ्तार से वो चलते रहे तो फेस्टिवल से पहले ही कब्र में दफन हो जाए। उनके सामने कभी ऐसा बोलना मत। अब मैं क्या करूं फादर? चलो ठीक है, आ बेटी, आ। फादर, आपसे मिलने बुबाचन की बीवी आई है अपने भाई के साथ। कहो उनसे आने के लिए। आ जाओ। क्या है सलम्मा? जब से जो गुट्टन की दुकान बंद हुई है तब से बोबाचन बेरोजगार हो गया है। अब ये सारा दिन ताड़ी की दुकान पर बैठता है। क्यों, तुम्हें वो लोग वहाँ बैठने के पैसे देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पूरा दिन वहाँ क्या करता है? उनकी नौकरी चली गई ना, इसलिए। ओ, शायद वो प्रार्थना करता अपने दुखों को कम करने की। लगता है इसे कन्फेशन की जरूरत है। अच्छा, एक काम करो, उससे कहो 7 बजे चर्च में आने को। बाकी मैं देख लूंगा, उसके दुख दर्द कम हो इसलिए मैं मदद करूंगा, ठीक है? खुशी हो या दुख, सब लोग ताड़ी की दुकान पर ही जाते हैं। वो गुंडे जो कुथान के कब्जे से बाहर निकल गए, ये तो अच्छा हुआ ना सलमा। लेकिन भाई, भले ही वो गुंडा क्यों ना हो, लेकिन वो पैसे बराबर दे देता था। तो समस्या बेरोजगारी है। नौकरी होती है तो सारा दिन काम करता है, हमारा ध्यान भी रखता है। मैंने उन्हें कहा था कि वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, मगर उन्होंने ना कह दिया। अच्छा अच्छा, मेंबर, हा? इसे नौकरी ढूंढने में जरा मदद करो ना। फादर, मैं पिछले 5-6 सालों से कह रहा हूँ इसे कि वो पोलाची में मेरे रिश्तेदार की नारियल की फैक्ट्री में काम कर सकता है। सुनता ही नहीं है। सुनेगा भी क्यों, वो फिर जोए कुतान के साथ ऐश कब करेगा? अच्छा, वो सब छोड़ो, अभी भी जा सकता है क्या? हाँ जरूर। ठीक है सलामा, उसे कहना कि कल इस आदमी से आके मिल ले। वो कल ही पोलाची के लिए रवाना हो सकता है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो कुंजा भैया से ले लेना, और जितना वापस दे सकते हो उतना संडे को दे देना। ठीक है फादर। क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? वो इसकी बात नहीं सुनता। एल्डर्स, तुम जा सकते हो अभी, डरो मत, मैं उससे बात कर लूंगा। उसे रास्ते पर ले आएंगे। वो कल पोलाची चला जाएगा और उसके अगले दिन वो मिल में काम शुरू कर देगा, ये मेरा वादा है। ठीक है फादर। ठीक है, चलता हूँ फादर। और एक इंसान की मदद हो गई। क्यों रे, बड़ी बड़ी डिंगे मत हाँकना, उसे नौकरी पर रखवा देना, समझे? हाँ जरूर रखवा दूंगा। क्या मैंने एल्डर्स को नौकरी नहीं दिलवाई थी, एक लकड़ी के कारखाने में? क्यों मेंबर, ये सच कर रहा है क्या? ये तो माहिर है यहाँ से लोगों को निकालने के लिए। मेरा मतलब नौकरी लगवाने के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, मैं तुमको शाम को मिलता हूँ। ठीक है।
अच्छा सुनो, क्या तुम उसके घर पर ट्रांसफार्मर फिट करने वाले हो क्या? मुझे बताए तुम्हारा मेरा मतलब क्या है? तुमने उसके भाई को ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह की बात। अरे चलो यार आओ। फादर, हमें इस आइलैंड पर सब सही करना होगा। हाँ बिल्कुल करेंगे ना। इतना आसान नहीं है। कैसे? आपको पता है यहाँ पर समस्या खड़ी करने वाले अक्सर कौन होते हैं? कौन होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। पहले पुन्नो लोमड़ी, उसके बाद कोलीपोर्स, कन्नियापन, प्रद्युम्न। अब ये क्या बात हो गई? यही तो समस्या खड़ी करते हैं। कुंजो भाई, एक काम कर सकते हो क्या? सभी को रात में बुला दो। ये क्या कह के हम उन्हें एक एक करके कन्फेस करवाएंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। वो तो मैं कर सकता हूँ। हम आज ही कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन आज बहुत देर होगी। मुश्किल हो सकता है, कल ही कर लेते हैं। और बस इतना ही नहीं फादर, और भी कुछ चीजें हैं जो सही करनी होंगी। फादर इधर देखो। क्या ये इतनी रात को क्या ढूंढ रहा है? मुझे लगता है कोई सहा हुआ है जो तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्या बकवास है, हम उसे पकड़ ले। हाँ, उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो। अच्छा तो यही है जो बल तोड़ता है। क्या बकवास है? पत्थर देख रहा है? क्यों मार रहा है? अरे भागने की कोशिश नहीं कर रहा, हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। चुपचाप खड़ा रहे। ये है लोमड़ी, कुछ तो बात है तुझ में। तो तू है क्या घुसपैठिया? तुझे पुनप्पन लोमड़ी यहाँ अंधेरे में दारू पीने आया है? नहीं, बोल जल्दी। नहीं तो फिर मुझे बस थोड़ा सा घास में चाहिए था। क्यों, खुद को जलाना है क्या तुझे? वो औरत बेचारी मुश्किल में है, इसलिए पंचायत ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सारे रास्ते पर लाइट लगाई है। और ये 14वीं लाइट है जो तूने आज तोड़ी है, पागल बुड्ढे। अरे कल पंचायत जाना और सभी का पैसा भर देना तू। पर मैंने तो सिर्फ 4 ही तोड़े हैं बस। 14? तुमने पूरे 14 तोड़े हैं? भाई मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ हो, ऐसा क्या? फादर, मैंने इसे कई बार रात में घूमते हुए देखा है। जब मैंने से पूछा कि तुम रात में क्यों घूम रहे हो तो कहता है कि डॉक्टर ने कहा है घूमने के लिए। डॉक्टर के नाम पे झूठ बोलकर देखो क्या कर रहा है। अच्छा हुआ मेंबर तुम आ गए, ये पूरे 14 बल्ब के पैसे देगा। मंजूर है क्या? बोल मंजूर है क्या? अगर पैसे नहीं देगा ना तो सबके सामने बेइज्जत करूंगा और तेरी बीवी को भी बता दूंगा। नहीं मत बताना। क्या? मुझे बर्बाद मत करना, मैं दे दूंगा। कौन, वो सलमा? अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, लाइट का पैसा मैं दे दूंगा। पर सच में मैंने 4 ही तोड़े। बात मत कर, चल घर जा। ठीक है। फादर ये तो दोबारा उसी तरफ जा रहा है। अरे उधर कहाँ, इस तरफ जा। मेरे घर? हाँ ये उसका घर है ना। क्या हो गया है मुझे इतना? मैंने बस 4 ही तोड़े। अगर तुझे कुछ भी अर्जेंट जलाने की इच्छा हुई ना तो घर पे जो बचा कुछ घासलेट है वो ले लेना। घासलेट लेने के लिए इसी के पास आना पड़ेगा। तुम कहाँ से आ रहे हो? अब पार्टी ऑफिस से आ रहा हूँ। अरे वैसे भी तुम लोग कल मिनिस्टर के खिलाफ ब्लैक फ्लैग मार्च निकाल रहे हो ना, शायद उसी के लिए मीटिंग होगी। नहीं नहीं, वो 27 को है, कल तो मिनिस्टर दिल्ली में होगा। अगर हम कल काले झंडे दिखाएंगे तो उसी झंडे में हमें लिपटा देंगे। ठीक है जाओ। हाँ तो कल मिलते हैं, चलो गुड नाइट। हाँ भाई सेन दबा दे। नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई तू यही था? मैं और कह रहा हूँ। क्या हाल है, तेरे माथे पर क्या हुआ है? वो एक नारियल ऊपर से गिर गया। कहते हैं कि नारियल का पेड़ और नारियल कभी लोगों पर नहीं गिरता। सही है, मुझे नारियल है उसके पेड़ से चोट नहीं लगी, उसकी डाली से लगी है। तू सच कह रहा है ना? एकदम सच्ची, करेक्ट जगह पे लगी है, सर फटने से बच गया। मैं थोड़ा बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जा। बुलाओ। मैं नहीं, लीजो को। वो तुझे बुला रही है। क्या हुआ? बुला रही है। आओ ना जल्दी। जाना वहाँ। भाई क्या? जा जा जा। उसे क्या चाहिए वो देख। हटो ना थोड़ा, हटो। हाँ ठीक है। मेरा मैसेज तुमने देखा नहीं? कौन सा मैसेज? तुम कोई अर्जेंट चीज देख नहीं सकते? क्या था बताओ तो। अगले संडे मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मम्मी को वो लोग बहुत पसंद है। आने दो, क्या हो गया, परेशान क्यों? ए
हाँ तो ठीक है, आने दो उसे, मैं उसी से शादी कर लूंगी। जिस बोट पे तुम बैठी हो ना, उसको मैं डुबा दूंगा, समझ गई ना? तो डुबा दो, यहाँ पर सभी बत्तख की तरह पानी में अच्छे से तैर सकते हैं, हम तैर के चले जाएंगे, समझे? अच्छा। सुनो, मैं किसी तरह उस गधे का नंबर ले लेती हूँ, तुम्हें ही उसे घर आने से रोकना पड़ेगा। अरे एक बार उससे मिलो तो सही, हम मजे लेंगे ना। मैं नहीं चाहती वो आए। वो किस लिए? अगर वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया तो मैं धोखेबाज बन जाऊंगी ना। लीजो। इसमें सांप है क्या? दूंगा एक, मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ और तुम्हें सांप सीढ़ी की सूझ रही है? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ए, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? क्या है, अंदर चलो। ए, चलो अंदर चलो। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता है क्या? तुम्हें कब जाना है? शाम को। ओ। ये लो। हाय। शर्मा क्यों? चाय पी तुमने? अरे चाय पीने में कैसी शर्म? नहीं। हाँ। ये तो फादर के बुलेट की आवाज है। हाँ। अब फादर आ गए। किस तरह का बाप है तू? अगर तेरे बेटे को उससे शादी करनी है तो उसके पिताजी को उसके घर वालों से बात करनी चाहिए। तुम क्यों बात कर रहे हो? फादर, मैंने सोचा वो नहीं मानेंगे तो क्या करता? अरे तुम सोचते ही क्यों? फादर, हमें लगा कि बच्चों की इच्छा के साथ हम खड़े रहेंगे। कोई लड़का कल उससे मिलने आया था और उसके घर वाले भी उसे पसंद आ गए, इसीलिए वो। तुम्हारी राय नहीं पूछी है मैंने, तुम्हारी दो बेटियां हैं, तुम क्या करोगे अगर वो घर छोड़ के भाग गई तो? तुम्हारे पिताजी तुम दोनों के चक्कर के बारे में जानते हैं? नहीं। अरे उन्हें पता नहीं है इसलिए उन्होंने दूसरे रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया ना, उसने जानबूझ के दुखी किया तुम्हें? नहीं। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ऐसे भाग कर आई हो? अब तक नहीं। तो जाओ, घर जाओ अभी। देखिए फादर, हालात इतने भी बुरे नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, पिताजी सब सुलझा देंगे। अपना मुंह बंद कर। फादर प्लीज कुछ करिए ना। तू चुपचाप बैठ और तू घर जा अभी। जिस किसी ने उसे घर से भागने में मदद की है ना, वो उसको घर पर भी ले जाएगा। जाओ। तुम उसको ले गए थे, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, समझे तुम? ए, जैसे ही पहुंच जाओगी मुझे फोन पे कॉल करना। अब जाओ। बच्चे गलती करे तो उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि उनका साथ देना चाहिए। अरे कैसे बाप हो यार तुम, यहाँ पर भी तो एक लड़की है, क्या हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे पास सीधे दौड़ के चले आते हो? अब बताओ इस बार मुझसे कौन सी बात छुपाई है? मुझे लगा कि आप मानेंगे नहीं। लेकिन मान रहा हूँ ना, जब तक मैं इस गाँव का फादर रहूंगा ना, ऐसी चीजों के लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। इस संडे तुम्हें उसके घर जाना होगा और उसके पिताजी से बात करनी होगी, रिवाज के हिसाब से, समझ गए? और अगर नहीं मानेंगे तो सीधे चर्च पे आ जाना, मैं देख लूंगा। ठीक है। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया ना लीजो तो तुम उससे शादी नहीं कर पाओगे। मैंने इससे भी बुरे बुरे हालात संभाले हैं। तुम्हारा क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं वो। ठीक है, अभी जाके खाना खा लो और अपने हॉस्टल चले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। सगाई तक तुम मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, इस आइलैंड पर उससे पहले कदम भी मत रखना। फादर मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे होना चाहिए। तू जा यार। फादर चाय तो पीकर जाइए। चाय डालो अपने पति के सर पर और जो बच जाएगी वो अपने भाई के सर पर डाल दो। सब बैठे हैं यहाँ। ये सब क्यों करना? फादर को गुस्सा आता है तो पागल हो जाते हैं, हमें मजबूर मत करो। चलते हैं हम लोग। लगता है बात बन गई है। तुमने अच्छा किया फादर, तुम और थोड़ी देर वहाँ रहते ना तो वो बेचारा शायद अपनी पैंटी गीली कर देता। कुंजो भाई, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? अच्छा था, और बेहतर हो सकता था। तो ठीक है फिर, और एक सीन है एक्टिंग करने के लिए। कहाँ पर? ताड़ी की दुकान पर। हाँ वो अच्छी जगह है, चलो जरा वहाँ चलते। अरे अरे शांति से पीने भी नहीं देते। क्या करूँ अब इनका, लगता है किसी ने इसके हाथ के साथ गड़बड़ कर दी। आज सुबह तो तेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ? क्या करे अब फादर, ऑटो रुका रहा था। हाँ। उसने मेरे हाथ को ही टक्कर मारी, ब्रेक मारना भूल गया। हाँ तो अपना मुंह रख देना था वहाँ पर, ऐसा ही करना चाहिए था। आओ आओ बिजू कुट्टा, दोनों की शादी हो गई है क्या, साथ में रहते हो? अच्छा यहाँ पर सूखा बीफ मिलेगा क्या? अब क्या मजा आता है खाने में। सूखा बीफ ना? हाँ है, मछली भी है और चिकन भी है। हाँ एकदम ताजा, और बीफ भी। साबू थोड़ा फादर को दो। मुझे भी दो। अच्छा लगा, थोड़ा पार्सल करूँ? ताड़ी का बकेट कहाँ है? वहाँ पर पार्सल कर दो घर लेके जाने के लिए। हम हा? तो अब गए। आ रहा हूँ, ये मुझे मार डालेगा। आ गया, आओ खोलो। ये ओरिजिनल है फादर। झिंगा तेरे दुकान पे कोई डिलीवरी नहीं हुई है तो इतनी ताड़ी कैसे आ गई तेरे पास? ओरिजिनल है ये फादर, यहाँ पर एक ही ताड़ी उतारने वाला है। अगर वो लगातार इस जगह पर हर पेड़ से उतारेगा फिर भी ये बकेट फुल नहीं होगी, तो फिर आज इतनी फुल क्यों दिख रही है ये? ओ फादर आप यहाँ कैसे हैं फादर?
कितनी बार बोला है बच्ची को इसी जगह मत जाया करो। ये बस मुझे कंपनी दे रही। अरे यार कितनी बार कहा है तुमसे कि अपने दुकान की ताड़ी मिक्स मत किया करो। क्या कर रहे हैं आप ताड़ी में मिक्स? जिंगा मैंने और फादर ने तुझे कितनी बार कहा कि अपनी ताड़ी में मिक्स मत कर। मालिक वो फेंक उसे। हाँ फेंक दे। हाँ फेंकता हूँ। जाओ जाकर फेंको उसे। उन्हें मिक्स कैसे करते वो पता ही नहीं है। अगर वो कुछ गलत करेंगे और कोई मरेगा या अंधा हो जाएगा, इसलिए चेक करने के लिए बार बार मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा फादर, मैं कह रहा हूँ। अरे जल्दी करो। अरे पलट दे उसको। हाँ, चल, 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 लगा। देखो फिर कितना नुकसान हो गया यार। चल बेटी आ जा। दोबारा मिक्सिंग करोगे ना तो मुझे ये बंद करना पड़ेगा। दोबारा चेतावनी नहीं दूंगा। नहीं, और मैं अक्सर यहाँ पे आता रहूंगा। हाँ आप रोज आइए, मैं सच कह रहा हूँ। इंदाई कन्फेशन का क्या हाल है? आएगी मेरी बारात। अरे जरा इसके पास कोई और काम नहीं है क्या? कहीं भी पहुंच जाता है। एक करी पार्सल लेने आया हूँ फादर। सच में? चल बेटी। लगता है भरोसा कर। एक लाइन में कहूँ तो मेरी तो लग गई। बाद में एक और पीता हूँ। फादर चोर का क्या, हमें कोई ना कोई हल कल निकालना ही होगा, नहीं तो ये चोर पूरा गांव खाली कर देगा। कुछ ना कुछ करना होगा फादर। फादर मेरी तो कमर टूट गई, इस नारियल का कोई काम नहीं है। अगर मैं कल सुबह आऊँ तो? तू बात मत कर समझा। बात करूंगा। जब तक तू पूरा काम खत्म नहीं कर देता ना तो मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फादर मुझे टॉयलेट जाना है, थोड़ी देर के लिए घर चला जाऊँ क्या? उसके लिए यहीं पर इंतजाम कर सकता हूँ मैं। क्या मुसीबत है? पता नहीं कितने लोगों की कसम खाई थी तूने कि दोबारा कभी पियूंगा नहीं। कसम खाने से क्या होता? अच्छा हम क्या बात कर रहे थे? फादर एक बात तो पक्की है, वो आदमी चारों जगह गया था, इसका मतलब वो यहीं का है। बाहर के आदमी के लिए यहाँ से चुराना मुश्किल होगा। फादर चोर ने लाजर के बच्चे का नेकलेस और चूड़ियां और उसकी माँ के एंटी कान की बालियां भी चुरा ली, वो भी सीधा कान से, और वो उसे निकाल नहीं पाया तो उसने सीधा उसका कान भी चीर दिया, क्यों है ना? अरे रे। और दो पुलिस वालों के बारे में तो बात ही मत करो। हाँ चोर उनसे बेहतर है, उसे ढूंढ कर हमें रोकना पड़ेगा। हाँ पर वो कौन हो सकता है कुंजॉय भैया? हम लोग तो ज्यादातर रात को बाहर ही घूमते रहते हैं। वो लोमड़ी जो सलमा के घर के आसपास घूमता है, उसके अलावा हमने और किसी को तो देखा ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ फादर, वो इंसान इस जगह से अच्छे से वाकिफ है। हम आपसे कल मिलते हैं फादर। हाँ ठीक है। उसने मेरे बीवी के 3.5 तोले के गहने चुराए फादर, वो नहीं आया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। कुछ कीजिए फादर। ठीक है चलो चलो। वैसे फादर हम लोग इसका क्या करेंगे अब? अब मछली को चारा डालना हो गया हो तो चलो सोने जाओ। वो महीनों से हर दिन बस यही कर रहा है, अब तक एक भी छोटी मछली पकड़ी क्या तूने? वो काट रही है फादर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो मत फंसाओ, कूदो और पकड़ो। अंतापी फादर थोड़ा टॉयलेट जाओ क्या? जाने से पहले सारे नारियल दोबारा स्टोर में रख देना, आसपास बहुत से चोर हैं। लगता है चैन से जीने नहीं देगा मुझे। आप क्या कर रहे हैं पापा, आपके पास आधा लीवर बचा है। मुझे प्यास लग रही है बेटा। थोड़ा पीजिए तो और थोड़ा जी पाएंगे, नहीं तो अगले बारिश से पहले ऊपर वाला बुला लेगा। तुम ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने बोला है टैबलेट के बाद एक या दो पैग ले लेना, नहीं तो वो तुम्हारे शरीर में अच्छे से काम नहीं करेगा। हाँ, जरूर अच्छे से काम करेंगे। तुम भी बैठ जाओ ना। वो नहीं बैठेगी माँ, वो पूरे दिन से आज गुस्से में ही है और बता भी नहीं रही क्या बात है। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पापा। एक मछली और खाओगी बेटी? मुझे वो जरा दो। अगर आपको सुनना नहीं तो जो मन में आ करिए। ये प्यास तो बुझती ही नहीं। भगवान के लिए लीसा कुछ बताना है तो बता दो प्लीज। मतलब तुम्हें नहीं पता बात क्या है? मुझे कैसे पता होगा? जॉय भोले मत बनो ठीक है। तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें मना किया था फिर भी लीना के अकाउंट में 35,000 भर दिए। तुमने कसम खाकर कहा था ना मुझसे कि तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। धीरे बात करो, पापा का लीवर खराब है कान नहीं। वैसे भी तुम्हें ये सब झूठ किसने बोला? सबूत चाहिए। हाँ सबूत लाओ फिर बात करते हैं। ये लो, क्या इतना काफी है?
सुनो, उसके पिता कुछ पैसा उधार चाहते थे तो मैंने बस उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए और। झूठ मत बोलो मुझसे जॉय, ठीक है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यहाँ कितनी औरतों के साथ अफेयर है। तुम किस बारे में बात कर रही हो लिसिया? उसका भी सबूत दिखाऊं तुम्हें? मेरे दिल में आज तुम्हारा ख्याल आया है, ये ख्याल है या कोई कहानी है? मेरे दिल में मैं तुम्हारी उन आशाओं को पूरा कर सकता हूँ। कब आओगे तुम आओगे कब? मेरे दिल को तुम्हारा इंतजार रहता है। कब आओगे? ओह, ये कुत्ते क्यों इतना भौंक रहे हैं? पूरा मूड खराब कर रहे हैं। उनको मूड से क्या लेना देना। आ रहा हूं मैं, तैयार हो जा। हाय मेरी डार्लिंग। फादर, 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 कुंजॉय हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो फादर, फादर। फोन साइलेंट क्यों किया है? कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ, क्या बात है? पता है कथुथुरा जॉय की बीवी लिसी ने जहर पी लिया, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में मर गई। अरे यार, सच है, मुझे बस अभी फोन आया है। यार मुसीबत है, पता नहीं उस औरत के दिमाग में ऐसा क्या आ गया। सब आपकी वजह से हुआ। तो अब दोनों परिवार आराम से बैठकर बाकी चीजें तय कर सकते हैं। वो तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है? अब तुम उनके शादी पर कौन सा गिफ्ट देना चाहते हो उस पर कोई बहस नहीं होगी। कोई जोर जबरदस्ती मत करना। नहीं होगी फादर। चलो तब तो टेंशन ही नहीं है, चलो हम बाद में मिलते हैं। कितने अच्छे है ना, सही कहा। चलो चलते हैं। थैंक यू। फादर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है ना। सुनियप्पा, क्या कर रहा है तू? हाँ फादर, चौक पे पड़े पड़े धूल खा रहा था तो बाथरूम को एक तरफ से कवर करने के लिए इसे लेकर आया और इसे घुमाकर यहाँ लगा दिया। बीवी को शर्म आ रही थी, ये देखता था ना नहाते वक्त, इसलिए इसे ऐसे घुमाकर लगा दिया। चलो अच्छा, जल्दी से तो। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? कोई काम नाम नहीं है? लड़की के साथ ऐसे घुमा मत करो, कमीने दोनों के। ठीक है फादर। पता नहीं अपने आपको क्या समझता है ये। चलो पकड़ पकड़ना, कहीं से धोने की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन धो रहा है? तुझे सुनाई दे रही है ना? चल, जरूर रानी होगी। चल दिया। लोमड़ी के घर के इर्द गिर्द घूमते रहती है क्योंकि उसकी सोच ही बहुत घटिया है। यहाँ पर हम ही शरीफ है, तुम भी इतने बुरे नहीं हो। अब अरे कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? अरे अरे, हम तालाब के उस पर पिक्चर देखने गए थे। कौन सी पिक्चर? पुल्ली मुर्गन। सच में? हाँ। अच्छा, कैरेक्टर बढ़िया था क्या उसमें? एकदम बढ़िया। अच्छा, और फाइट अच्छी थी? और फाइट भी बहुत बढ़िया थी। और पता है हीरो क्या करता है? ऐसे लुंगी उठाता है और उसके बाद धो देता है। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा। देखना ही चाहिए। और उस पिक्चर में ना फादर विलेन होता है, हीरो से मारता है और तालाब में उठा के फेंक देता है। वो चर्च के आंगन। तुम चाहते हो कि मुझे मार के तालाब में फेंक दो? हमारा वो मतलब नहीं था। जाओ जाओ, वैसे ऐसे घूमना मत, सीधे घर जाओ, समझे? बिल्कुल। रुकना, फादर क्यों घूम रहे पता नहीं, वहां पर और कोई भी है। लोमड़ी और उसका इलेक्ट्रिक खेल रात का है। आज तो उसका खून पी लूंगा।
झूठा बुड्ढा दरवाजे के ठीक सामने बैठा है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मुझे तो तेरा सिर फोड़ना चाहिए, चला जा। अच्छा अच्छा, तुम कभी सोते होते नहीं हो क्या? मैं यहाँ पेशाब कर रहा था। अंदर कोई बाथरूम नहीं है? अरे बाहर की हवा लगती है तो मजा आता है। तो अंदर के टॉयलेट को भी बाहर आने से पहले हवा की जरूरत पड़ती है क्या? ये आदत बचपन से ही है, बदलना मुश्किल है। तुम के घर के पास थे ना? क्या मैं? लाइट दोबारा टूट गई है। नहीं मैं नहीं था। बुड्ढे तुझे रंगे हाथों पकड़ा था और मैंने किसी और को देखा भी नहीं था। इज्जत से कल जाकर पंचायत में पैसे भर देना और उससे सारा काम ठीक करवा देना। अरे फादर भगवान कसम मैं नहीं था। अरे और कुछ मत कहो यार, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ आके बात करूं? ललिता माँ। अरे नहीं नहीं, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, मेरा घर बर्बाद मत करो। देख जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, शर्म भी नहीं आती इस उम्र में ऐसे ऐसे खेल खेलता है। किसी और के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं, ये खत्म करना होगा। अरे जॉय भाई, जाकर गड्ढा खोद। हाँ, कहाँ पर हो अभी? फादर मैं तो जल्दी आ जाओ यार। हाँ ठीक आता। अरे कहाँ पर चले गए थे इतनी देर? अरे बात क्या बताओ ना, मुझे डराओ मत बस। अरे वो दरअसल यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। क्या मर्डर? ओ गॉड, कहाँ कब? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी सबसे पहले हमें स्टेशन जाना होगा। हाँ, फादर मुझे कन्फेशन करना है। फादर फादर मैंने पाप किया है, फादर
मैं चलता हूँ। फादर, तुम कुछ कह रहे थे ना, किसने किसे मारा? मेरे हाथ पर कांप रहे हैं फादर। ओह गॉड, जब हमने उसे मारा था तो वहां पर तीसरा आदमी मौजूद था। अरे जाकर गड्ढा खोदना। बेस्ट है, वो हर सुबह उठकर यही सोचता है कि आज उसे किसे मारना है। हम खत्म हो गए जॉय भैया। तूने सील ऑफ कन्फेशन सुना है? चर्च में हम जो कन्फेस करते हैं उसका लॉक, कोई भी फादर कन्फेशन का लॉक तोड़ नहीं सकता, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, कानून भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। जॉय भैया, वो फादर कोई मामूली आदमी नहीं है। तो डर मत, मैं हूं यहां। के कन्फेशन में पाप का प्रायश्चित मौजूद नहीं था, वो तो बस मुझे चुप कराना चाहता था। ऐसी चाबी जिससे मुझे वो बंद कर सकता है। उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने किसको मारा और क्यों मारा, तो मुझे अगर कुछ करना होगा तो मुझे ये जानना है कि मरा कौन है। बस एक ही रास्ता है ऐसा करने का, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे वो रास्ता लेना होगा। ओह गॉड, मेरा साथ देना इस काम में। जॉय भाई, अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता कि आखिर हुआ क्या है। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं फिर भी तुम समझ जाओगे। ठीक है, आज से मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कोई काम मत करो, बस अपने हिसाब से रहो। और मुझसे पूछना भी मत कि क्यों। करना क्या वो बता दीजिए। अब से बहुत सारी चीजें यहाँ पर अचानक से हो जाएंगी, ऐसी चीजें जो हमें पूरी तरह से चौंका देंगी। जो कुछ भी हो जाए हम दोनों के बीच ही रहेगा। कल रात 10:30 बजे के बाद तुम्हें वो प्रॉपर्टी पता है जो बेलबीचा ने साली के लिए सेट की है, वहां पर फावड़ा रख दो। उसे पौधों के बीच में रख दो, नारियल के पेड़ के नीचे। गुंजा भाई, अब से हमें संभल कर रहना होगा। ठीक है फादर। अब इसे किसने फोड़ा? ये भी मेरे ही सर पे आएगा। ये तो असली मुसीबत है। कौन है बेवकूफ जो मुंह पर लाइट मार रहा है? अरे फादर, तुम्हें क्या लगा दोबारा क्या यहाँ पर घासलेट के लिए आए हो? अरे फादर, मैंने नहीं किया। जब मैंने अपनी आंखों से देखा था तब भी तुमने यही कहा था। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। बकवास बंद करो अपने। मैं इसका पैसा कल पंचायत ऑफिस में दे दूंगा। हाँ, वो तो देना ही होगा। रात को पकड़म पकड़ी खेलते हैं। जाओ घर जाओ।
खत्म करना पड़ेगा ये, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ये बेवकूफ कौन है? कैसा जहर खरीदा है तूने? 150 रुपए में ऐसा ही मिलेगा? मुझे लग ही रहा था। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। अबे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ऐसा लग रहा है जली जाएगा। इसके साथ कुछ और लाना चाहिए था ना। अरे ग्लास भी तो नहीं मिल रहा था। अच्छा ठीक है। बाकी चीजें कहाँ से ढूंढता मैं? मैं भी साथ चलता हूँ। अरे इस समय से सो रही होगी। ऐसा क्या? क्योंकि यही उसका टाइम है सोने का। तुम्हें कैसे पता? अरे क्या बात कर रहा है, इतना भी नहीं समझता क्या? कैसा आदमी है ये? क्या हुआ? कौन है वहाँ पर? क्या हो रहा है? हम नेट ढूंढने के लिए आए थे। क्या नेट? हाँ। मैं तो दारू खरीदने आया था। धोखेबाज। हम यहाँ हवा खाने आए थे फादर। लोग कहते हैं कि यहाँ से बहुत पवित्र हवा होकर के बहती है, इसीलिए। हवा खाना खत्म हो गया तुम्हारा? आपके आने के पहले हमारा हो गया। चलो घर जाओ, चलो। सब लोग जाओ घर। आ जाओ ना, सुनो, सारा सामान भी लेकर चले जाओ। चर्च में जो नारियल है उसके बारे में कह रहे हैं ना, मुझे पता है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे सांप और भूत रहते हैं, इसीलिए। फादर, आप फादर है ना, तो आपके पास वो क्रॉस वगैरह होगा, उससे हमारी रक्षा होगी, इसलिए आप हमारे साथ चलिए ना। बस डॉर्क के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अब फादर, मैंने सिर्फ एक ही पैक पी थी, सच कह रहा हूँ कसम से। चलो चलो जाओ यहाँ से। जाता हूँ। जाओ पहले यहाँ से। निकलो। जाता हूँ फादर, जाता हूँ। चल चल चल। चलो ना भाई, जल्दी से। चलो के भरोसे रहे हैं। तुम भी चलो। चंगनाचेरी से आ रही हो क्या? नहीं फादर, टेलर के पास गए थे, इसके लिए फ्रॉक सिलवानी है। बोबाचन फोन करता है ना? कुछ दिन पहले आया था, वैसे इस हफ्ते घर आने वाला है। मामा चन ने बताया कि पिछले हफ्ते वो उसे पोलाची में मिला था। ठीक है, उसके लिए यहाँ कोई काम ढूंढ पाऊँ तो उसे यहाँ पर बुला लूंगा। तुम जा सकती हो। चलो। फादर, फेस्टिवल के बाद के पहले संडे को हम हमारी बेटी की सगाई करने वाले हैं। दूल्हे के परिवार वाले भी मान गए हैं। नहीं, वो संडे नहीं, उस दिन बोलाचन के बेटे की शादी तय की गई है। वो फिक्स हो गया? हाँ, वो हो गई। अरे बापरे, और उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए पूरा परिवार वेलंकनी दर्शन करने गया है। वेलंकनी गए है? कब? मैं कल रात को उसे जेट्टी पर मिला था। वो बस आज सुबह ही गया। हाँ, मुझे लगता है जब वो लौटेंगे तब लोगों को न्योता देंगे। तो इस बार फेस्टिवल के बाद भी जश्न होगा ना? उसके बाद कोई और संडे? हाँ। मुझे आज नदी के उस पार जाना है, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, तो चलता हूँ, मुझे जरा लेट हो रहा है। हाँ। बात करते हैं बाद। हम भी जा रहे हैं। ठीक है। आज 11:30 बजे का बल्ब बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी लोग आ रहे हैं। ये हर बार की ड्यूटी हो गई है। चलो। अरे ठीक है ठीक है। अरे वो देख फादर है, इसी चर्च में कुछ काम नहीं होता है क्या? तुमने भी पीना शुरू कर दिया? मैं बस करी लेने आई थी। आ? करी, पापा ने मुझे यहाँ बुलाया था। कैसा बाप है ये। जाओ घर जाओ। फादर, मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या कहना? लीजो को फोन करके समझाइए ना। चाहे तो कन्फेशन भी करवाइए, वो थोड़ा अजीब हो गया है और मुझे फोन भी नहीं करता। चलो जाओ घर जाओ। सच कह रही हूँ फादर, 3 दिनों से उसने मुझे एक कॉल नहीं किया है। सॉरी, जब मैंने उसकी बहन को फोन किया तो उसने मुझसे कहा कि वो टूर पर गया है। क्या आप उससे बात कर सकते हो प्लीज? मैं बात कर लूंगा, तुम जाओ। पक्का फोन करोगे ना? पक्का? अरे करूंगा, बोला ना। करना हा? तुम जाओ। टाटा। Thank you.
इस वक्त यहां पर कौन है? ये क्या चमगादड़ से पैदा हुआ था क्या? नहीं, अरे वो तो आ रहा था यहाँ, किसी और ने दुकान जमा ले क्या यहाँ पर? अरे फादर, ये कभी चर्च में सो नहीं सकता है क्या? लॉर्ड फादर, तो तुम ये करते हो, दिन भर सोशल वर्कर बन के घूमते रहते हो और रात को घरों में आकर चोरी करते हो, कमीना कहीं का। फादर, अयो, मैं तुझे कन्फेशन में मिलूंगा आज रात और बाकी का कल गांव वालों के सामने। फादर मुझे एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगा। फादर मुझे माफ कर दो प्लीज। मेंबर केक भी लेने की कोशिश कर रहा है और उसे खाने की भी कोशिश कर रहा है, तो तू था जिसने लजार की माँ के कान चीर दिए थे, ऐसा कैसे कर सकता है तू? माफ कर दो फादर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कन्फेशन रूम में आ जाऊंगा। वैसे भी तुझे वहां लेकर ही जाऊंगा। मैं आपको हर गलत काम के बारे में बताऊंगा जो हमारे गांव में होता है फादर। जो आदमी दिन में शरीफ बनता है वो रात में पागल हो जाता है फादर। मैं वो खुद ही देख रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ फादर, मैं सभी को जानता हूँ। मुझे माफ कर दो फादर, मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं। अरे फादर, घर के बाहर जो लाइट तोड़ते हैं मैं उन सबके बारे में जानता हूँ फादर, बताओ क्या? नहीं, मैं वो खुद ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, कुछ और बताओ आपको। मुझे कुछ भी मत बता। फादर मुझे पता है जॉय की बीवी को किसने मारा, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। फादर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। क्या कहा? लीसा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, यही सही है फादर। ये लोग सोते नहीं है क्या? अरे क्या करूं? उसके पिता ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, मैंने उसके अकाउंट में बस भेज दिए, बस इतना ही। मुझसे झूठ मत बोलो जॉय, ठीक है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यहाँ कितनी औरतों के साथ अफेयर है। झगड़े की बात कर रही हो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें इसका भी सबूत चाहिए? पता है जब तुम्हारा रिश्ता आया था तब सबने मुझसे कहा था कि तुम्हारा उस आइलैंड पर बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। मेरी किस्मत ही टूटी है। बक 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 करती रहती है। मेरे पति हो मेरे साथ वफादार नहीं रह सकते, कभी मेरे साथ बैठकर खुलकर बात नहीं करते हो, मेरी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखते, बस लोगों के सामने दिखावा करते हो। चुप हो जाओ। आइलैंड पर तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रखते हो, तभी ये चाहते हो कि मैं कुछ नहीं बोलूं? ये
तुम्हें बीवी बना के लाने से पहले मेरे बहुत सारे अफेयर थे। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। मुझे एक तो नाम तो बता दे। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तुझे क्या तकलीफ है अगर मैं दूसरी रखता हूँ तो? तुझे मैं सब कुछ नहीं देता हूँ क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें खाना तो खिलाती हूँ। बस कर, तू वो खा और चुपचाप दूसरी बन के रह यहाँ। वेरी बैड। मैं बहुत सारे अफेयर करूंगा क्योंकि मैं मर्द हूँ। अगर तुम कर सकते हो ना तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं तुझसे तंग आ गया हूँ बेकार औरत। ऐसा लगता है मार खाना चाहती है। ये जो हमारी बच्ची है ना, जिसे इतना लाड़ करते हो, इसे लेकर घूमते रहते हो, ये तुम्हारी नहीं है। बेकार औरत है ये तो। तू मुझे हराने के लिए कुछ भी बकवास करती रहेगी। नहीं है तुम्हारी। अरे तो किस की है ये? बता मुझे, बता, नहीं तो तेरे माँ और बाप को यहाँ कल आना पड़ेगा और पूरे गांव के सामने तुझे बताना पड़ेगा कि ये लड़की किसकी है। बता दे, बता दे। बता किसकी है? बता दे। बता किसकी है? बता। अरे बता दे, कुछ सुनाई भी तो नहीं दे रहा है। कैसा सस्पेंस है ये? इस बारे में सिर्फ तुम दोनों को ही पता है। अरे बाप रे, लगता है ये इसकी जान ले लेगा, पता नहीं क्या होगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए तुम्हारा मरना ही बेहतर होगा। अरे रे, मार डालेगा इसे? मैं उसे भी मार दूंगा। पहले बच्चे के बाप को, फिर उसे, फिर मुझे। भागो यहां से। उसने उसे मार दिया होगा, मुझे यकीन है फादर। बच्चे का असली बाप कौन है ये मैं सुन नहीं पाया। जो कोई भी हो, जॉय उसे भी मार डालेगा। हम जैसे सोचते हैं जॉय वैसा नहीं है। ये बात तुमने किसी और को बताई? हाँ? आप ये क्या बात करें, मैं ये बात किसी और को क्यों बताऊंगा? मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं वहां क्या कर रहा था, और उस चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। किसी को बताना मत। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल का बोझ हल्का हो गया, लगता था पागल हो जाऊंगा मैं। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ। अब इसके बाद अगर यहाँ से एक नारियल भी गायब हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। फादर, फादर, किस तरह का फादर है ये? मैं मर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ और ये नारियल के बारे में, क्या बकवास है ये? फादर, क्या फादर रोड ब्लॉक करके खड़े? हाँ जोई।
हाँ फादर, तुम्हें कन्फेशन के नियम के बारे में पता है ना? वो जीसस और फादर के बीच में ही होता है, हम किसी को नहीं बताते हैं। पता है फादर? हाँ, पर इस साल के फेस्टिवल का झंडा लहराने से पहले मैं तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा जॉय, और मैं तुझे जेल में जरूर भेजूंगा, वो भी कन्फेशन के राज को बताए बिना, समझा? मैं आर्यन त्रुथु के फादर विंसेंट कॉम्बोना की इज्जत करता हूँ, पर मट्टन चीरी का आदमी कॉम्बन विंसेंट की नहीं, समझे? तो आदरणीय फादर विंसेंट कॉम्बोना, प्रेज द लॉर्ड। आज और हमेशा के लिए निकाल, चल निकल यहां से। कुंजल भैया, हाँ, मैं चाहता हूं कि कल तुम मेरे घर मट्टन चली जाओ, मेरा कुछ सामान लाना है वहां से। वर्की चेतन वहां पर तुम्हें 15 लाख रुपए दे देगा। तुम्हें थोड़ी सी जमीन भी खरीदनी थी ना, तो बिल बच्चन अपनी जमीन बेचना चाहता है, तो थोड़ी अपने लिए खरीद लो। ठीक है, 5,000 स्क्वायर फीट तुम ले लेना, जो पश्चिम की तरफ है मछली के फार्म के पास, बहुत अच्छी है। पूरी 5,000 स्क्वायर फीट खरीदना, कल रजिस्ट्रेशन का इंतजाम करना, मैंने बिल बच्चन से बात कर ली है। सुबह तैयार रहना, तुम्हें जट्टी तक छोड़ दूंगा। और अगर कोई तुमसे कुछ पूछे ना, मैं संभाल लूंगा, मैं कहूंगा कि मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, बस इतनी सी तो। और अब फेस्टिवल से पहले हमें आर्यन त्रुथु में कुछ पटाखों की जरूरत पड़ेगी। ओ गॉड, बहुत समय हो गया, हमने असली पटाखे नहीं देखे। अरे फादर आया, फादर फादर रुको, ए, रुको। अरे सुनो, क्या कर रहे हो तुम सब? वो पंचायत के बारे में, वो बिल्डिंग के वो रेंट। हाँ, रेंट के लिए जा रहा था। किसी अच्छे इंसान को देना, ठीक है ना? हाँ, तो वही करना। फादर, थोड़ा बाहर आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? अरे बाहर तो आओ ना फादर। मानता हूँ कि वो थोड़ा दारूबाज था, मेरा भाई जॉय कुट्टन खुशी से सेटल था उसके बिजनेस के साथ, लेकिन तुम बीच में आ गए और उसे निकाल दिया। वो मुश्किल से 2 दिन रुका था खेत पे, उसके बाद हमें पता ही नहीं कि वो आखिर गया कहाँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तुमने ही उसे यहाँ से भगाया है। एक फादर को फादर का ही काम करना चाहिए, समझे क्या? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो तू दोबारा इस गांव में दिखेगा नहीं, समझा? अच्छा स्टीफन, ये बता तेरा बेटा कितने साल का है? ये शायद 1 या 1.5 साल का। अगर तू चाहता है कि इन हाथों से तू उसे खाना खिला सके, तो अपने हाथ हटा, वरना हो सके पिछवाड़ा धोने के लिए भी तेरे पास हाथ ना बचे। तेरे छोटे भाई के गलत कामों की वजह से मैंने उसे यहाँ से भेज दिया, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता तो वो उसकी किस्मत है, तो सिर्फ आर्यन त्रुथु के फादर विंसेंट को जानता है, समझो? बारिश आने से पहले घर जा, घर पे जाके काली चाय पी लेना, और फिर फादर वर्कैचन को पूछ लेना कि विंसेंट कॉम्बन कौन है। फिर भी तसल्ली ना मिले ना, तो 7 बजे के बाद मुझे चर्च में मिलना। ठीक है, चलता हूँ। चल हट बे। जो ही कुट्टन मिसिंग है, हो सकता है वही उसका लवर हो, तो जॉय ने उसे भी मार दिया होगा। कुछ सुना तो नहीं? सुना? देखो, मैंने कुछ भी कहा नहीं और तुमने कुछ भी सुना नहीं, समझे? समझा। तुमने कुछ नहीं सुना? कुछ नहीं सुना। हाँ। अरे यार, तुम लोग हमेशा यही कहते हो, कब दोगे यार? बताओ कितना टाइम हो गया। फादर जहाँ खड़े हैं उस तरह। वो अच्छा, वहाँ सारे पेपर्स यही हैं। फादर, आपको मिलना होगा। हाँ जाओ। अच्छा होगा, आप मिल लेंगे। ठीक है। सुनो, मुझे लगता है कि ये रिश्वत बहुत लेता होगा। ये सब ठीक तो है ना? अरे रख लो रख लो। हाँ, अब हम चलते हैं। हाँ जी, ठीक है। उज्जवल भैया। हाँ सर, रुको तो। क्या बात है फादर? मैंने सुनिया अपन को बुलाया। हाँ। यहाँ बाउंड्री बनाओ और आसपास दीवार खड़ी करो। सुनिया अपन बढ़िया काम करता है, वो मटेरियल भी ला सकता है। फाउंडेशन गहरा और मजबूत होना चाहिए, इस जमीन में बस 2 दिन बारिश होगी तो पानी भर जाता है। सच है। और हाँ, काम कल के कल ही शुरू हो जाना चाहिए। हाँ। बेकार में देरी क्यों करना, है ना मेंबर? हाँ, बहुत बढ़िया, अपने प्रॉपर्टी का ध्यान रखना ही चाहिए। पर हमें चोरों का डर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है किसी ने उसे पकड़ के रोक दिया है ना। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। आइए आइए आइए, चलो चलो। अरे तो हम लोग वहाँ आ सकते हैं क्या? हाँ तो आ जाना ना। ठीक है, चलो। हाँ, चलता हूँ मैं ऑफिस जाऊंगा। ठीक है। हाँ। ओके।
ओए क्या हाल है? जमीन को बांट दिया? हाँ बस अभी अभी ऑफिसर चले गए। हाँ क्या हाल है जॉय? बहुत बढ़िया, जमीन खरीदा है कुंजू भाई। फादर तुमने पूरा क्यों नहीं खरीदा, सिर्फ थोड़ा हिस्सा खरीदा? मैं बस 5000 स्क्वायर फीट की जरूरत थी। अगर आप कह रहे हैं फादर तो आज फेस्टिवल का झंडा लहरा दिया जाएगा है चटकेरी चर्च पर। मुझे बुलाया इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है जाओ जाओ। एक हफ्ते बचे हमारे झंडा लहराने में, है ना फादर? उससे पहले बहुत कुछ करना है। सब सही हो जाएगा फादर। जरूर चलता हूँ फादर। आ जाओ। हाँ मिलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं भी चलता हूँ फादर, मुझे लीजो के घर जाना है। वो बच्चे कुछ मुसीबत में फंस गए हैं और वो थोड़ा अलग रह रहे हैं, कुछ दिन हो गए, फोन भी नहीं लग रहा है। ठीक है आप जाके पूछताछ करो। फादर मैं जा सकता हूँ? फादर। हाँ क्या हुआ सलमा? मैं बोबा चंद को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ बहुत दिनों से। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कम से कम 40 बार मैंने आज फोन ट्राई किया होगा पर लग नहीं रहा है। शायद उसका फोन काम नहीं कर रहा होगा। नहीं फादर, 4 दिन पहले उसका फोन आया था। आपको याद है मैंने आपको बताया था वो पौंडीचेरी जाने वाला था, उसके बाद से फोन नहीं किया उसने। हाँ तो वो मिल पर होगा, फिक्र मत करो। अरे मकीली जरा मिल पर फोन करना और उनसे कहो कि बोबा चंद से बात करे, उसकी बीवी को बात करनी है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ ठीक है। सलमा परमेश्वर की दया है, तुम शांत हो जाओ, क्यों परवाह कर रही हो? फादर वो कह रहा है कि वो 4 दिन पहले ही चला गया था। हे भगवान, एक और मिसिंग। साथी शांत ने उसे मिल से फोन करने की कोशिश की पर वो उठा नहीं रहा। लगता है वो लवर थे। और एक बात है, जो कुथान भी गुमशुदा है। अरे उस बारे में भूल जाओ। पर वो भी उसका फोन नहीं उठा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो पहले जैसे कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। फादर पुलिस में कंप्लेंट करूं? हाँ मुझे यकीन है वो किसी काम के नहीं है। लगता है जो कुथान मिल में एक बार गया होगा, कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। वैसे जो कुथान के वहाँ होने से मुझे फिक्र हो रही है। एक काम करो, तुम और मेंबर अभी पुलिस स्टेशन जाओ। हाँ। और कंप्लेंट फाइल कर दो। मैन मिसिंग का केस है कहना। हाँ ऐसे करते हैं। तुम भी साथ जाओ सलमा। ठीक है फादर। हाँ चलो चलो। ये किसमें घुसा दू? यहाँ थोड़ा काम में जोर डाल। कुदरत का कौन सा हादसा है तू? वो मेरे बाप से पूछ लो। तुम्हारे पिता को पता हुआ क्या? कुछ भाई वो शाम तक पत्थर लेकर आ जाएंगे। तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। पूरा दिन चला जाएगा गड्ढा खोदने में। हाँ तो ठीक है। लग रहा है कि बारिश होगी, अगर हो गई तो सब तहस नहस हो जाएगा। अबे बेवकूफ, वो बारिश के बादल नहीं है, बारिश नहीं होगी। तू जाके अपना काम करना। अगर सब तहस नहस होगा तो मुझे मत बोल। उंजोए, तुमने काम सुनी अपन को दिया क्या? हाँ। उसने कभी भी कोई काम ठीक से खत्म नहीं किया, समझे तुम? सच में मैं उसे घर से ले जाऊंगा कन्फेशन के लिए। अरे खो जल्दी, तुम ये बास्केट उसके पास ले जाओ। मैंने आपसे मदद की मांग की थी, आपने मुझे जवाब दिया। आप मेरी आत्मा को शक्ति और हिम्मत देते हैं, आप मेरे अंदर दीपक जलाते हैं और मेरे अंदर का अंधेरा अब हमेशा दूर भगाते हैं। बोलो कुंजोय भैया। फादर यहाँ गड़बड़ हो गई है। हमारी जमीन में जब वो खोद रहे थे तो उन्हें एक लाश मिली है। यहाँ वहां पर भीड़ है क्या? हाँ। तुमने पुलिस बुलाई? मेंबर ने बुलाया है, वो लोग रास्ते में ही हैं। ठीक है अब तुम फोन रख दो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आओ।
अरे क्या हो गया तुझे, चोट लगी है क्या? क्या हुआ, माल उतारते समय पेड़ से गिर गया क्या? ये क्या हुआ, क्या है इसे? क्या तुम्हें कभी जमीन खोदते वक्त लाश मिली है? शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है आराम करना चाहिए। नहीं, बुखार नहीं है, अभी तो ठीक लग रहा है। इधर भी आ जाइए फादर। सर, उन लोग हटाओ वहां से, वो आ गए। बताइए क्या सीन है सर? बहुत बुरा हाल है। लाश की पहचान हो गई है? लगभग एक हफ्ते पहले की लाश है, इसलिए पहचानने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आईडी कार्ड मिला है। एए, तो लाश को पहले जिसने देखा उसका नाम लिख लो। चलो जाओ, सबकी गवाही ले लो, ठीक है? अरे बस करो, संभालो। उन औरतों को वहां से हटाओ, चलो। अरे तू रोना बंद कर। अब ऐसे रोने अरे से कोई समझाओ इसको। वो बेचारा बस जिंदगी की शुरुआत ही कर रहा था, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे यकीन है जॉय ने ही उसकी हत्या की है। एल्डोसे की 6 उंगलियां थी उसके दाएं हाथ में, और सलमा ने उसे पहचान भी लिया है। सर कोई हिंट है क्या? एक बात तो पक्की है, मर्डर हुआ है, क्योंकि इसके शरीर पे चाकू के निशान है। चाकू भी मिली है, कातिल बच के नहीं जा पाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी, कुछ लगे तो मुझे फोन कीजिएगा। मैं तालाब के उस तरफ था तो मैंने सुना, और मैं चर्च में था जब मैंने सुना। बस 2 दिन बचे हैं झंडा लहराने में फादर। सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो। हाँ, मैं आज भी झंडा लहरा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कोई नहीं कुछ बिगाड़ेगा। ये बात तो तुम भी जानते हो। अगले बारिश से पहले जॉय, मैं तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा। तुम उसे फादर विंसेंट कॉम्बन की बात समझ सकते हो, या फिर कॉम्बन विंसेंट की बात मट्टानचेरी का आदमी, और तुम्हारी इच्छा तो होने से। इस जमीन पर तुम्हारा दीवार बनाना ये मेरे लिए जाल था ना, तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा फादर। वैसे फादर विंसेंट कोम्बना शायद गड्ढा ना खोदे, पर कोम्बन विंसेंट के लिए वो बड़ा गड्ढा खोदेंगे, मुझे पता है। वैसे फादर, मैं चाहता हूं कि तुम ये देखो। कमाल है जॉय, अगर ये किसी ने देख लिया तो मैं तो गड्ढे में गिर जाऊंगा, ऐसा मेरे साथ। जॉय को पहले जॉय का सर बचाना होगा, है ना फादर? अपने आप को बचाने के लिए मुझे इसमें मत डालो जॉय। अगर तुम इस बार झंडा लहराने वाले हो, मैं सामने रहकर तालियां बजाऊंगा, ठीक है ना फादर? प्रेज द लॉर्ड। अरे सुनो, हमें यहाँ रहना पड़ेगा ये सब काम के लिए, हमें पोस्टमार्टम जल्दी करवाना होगा। उन्हें CBI को लाना चाहिए, 50 रुपए दोगे क्या मुझे? 50 रुपए तेरी तो, लोग यहाँ परेशान है और इसे। फादर, वो रजिस्टर दोगे क्या? कल की एंट्री रह गई। ठीक है, ठीक है। आपको मुझसे क्यों मिलना था जो भाई? अब तुम्हें क्या बताऊं संतोषा, मुझे बस एक घर बनाना था, इसलिए मैंने वो जमीन बेलबीचिन से खरीदी थी। पर देखो क्या हो गया, वो
मैंने सुना था जेट्टी के पास तुम्हारी एक जमीन है जो तुम्हें बेचनी, मुझे उस बारे में तुमसे कुछ पूछना था। वैसे कुछ लोग उस जमीन को पहले ही देख कर गए हैं, अगर सच में आपको लेनी है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं ले लूंगा ना, तुम्हें बस थोड़ा वक्त देना होगा, मुझे वो शमशान भूमि से छुटकारा पाना है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ तो तेरा फादर मुझे बुला रहे, मैं अभी आता हूँ। जाना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ रहा हूँ फादर। इस गांव में और एक मर्डर बहुत जल्दी होने वाला है, भले ही ये गलत है लेकिन मुझे अभी कन्फेस करना पड़ेगा। एल्डोस का मर्डर जॉय ने किया है, और बस एल्डोस ही नहीं, उसने लिसी को भी मार दिया। एल्डोस जॉय की बच्ची का असली बाप है। जॉय ने एल्डोस को मार दिया जब उसे इस बारे में पता चला, क्योंकि वो इस बच्ची से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता था कि किसी और को ये बात पता चले, एल्डोस और लिसी को ही पता है। उन दोनों मर्डर के बारे में उसने मुझे कन्फेशन में बताया, और उसने बस वो दो मर्डर ही नहीं किए, उसने कहा कि वो और एक पाप करने वाला है, और एक इंसान है जिसको इस बारे में पता है, शंतो। जॉय उसे भी मारने वाला है। जिन जिन को उसने मारा है उनके बारे में तो भूल जाओ, लेकिन शंतो जॉय का बहुत ही वफादार था और वो उसका अगला शिकार है, और हमें उसे किसी भी हालत में बचाना होगा। इसलिए भले ही ये एक पाप है, लेकिन मैं ये करूंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वहां खड़े रहने के लिए कहा था। फादर, प्लीज मुझे बचा लो। क्या हुआ शंतो, क्या बात है? फादर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, कुछ भी करके मुझे बचा लो। क्या हुआ, बोलो तो। जो है मुझे मारने वाला है, मैं वो इकलौता इंसान हूँ जिसे सब कुछ पता है। मैं आपको बताऊंगा। किस बारे में? लिसी दीदी के मरने के बाद उस रात जो कुछ भी हुआ था। अगर तुम इन सारे कामों में शामिल हो तो तुम अपने पापों के बारे में मेरे सामने कन्फेस कर सकते हो, पर बस इसी कारण से मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, या फिर तुम्हें किसी और को सब कुछ बताना चाहिए। फादर, कॉन्फेशन नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। सुनो, लगता है मेरा फोन गुम गया है। अरे फोन ही तो है, भूल जाओ, हम नया ले लेंगे। मैं अपने बहन के घर जाने वाला था, वो मुझे देखेगी ना बहुत चौंक जाएगी। सभी को चौंका देते हैं। क्या बोलता है, एक पैग और पी लें क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। देखो, अरे तो जो है, हम तो चुपके से पी रहे थे, पर तुमने हमें पकड़ लिया है। तुम्हारे हाथ में क्या है जॉय, बोतल है क्या? लकड़ी काटने साइड पर जा रहे हो? हाँ। लिसिया की जब मौत हुई तब तुम नहीं आए? मुझे बहुत देर बाद पता चला। तुमने गलत किया ना, मुझे मैयत पे जाना पसंद नहीं है। क्या है कि मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। लेकिन तुम्हें वहां मुझसे पहले होना चाहिए था। उसके मरने से पहले उसने तुम्हारा नाम बताया था। मेरा नाम? मैं वहीं था जब उसने मुझसे ये बताया। मुझे यकीन नहीं है, और मैं तुझे यहीं मारना चाहता हूँ। नहीं तो हर बार जब मैं तुझे देखता हूं ना, तो अपना कॉन्फिडेंस खो देता हूं। Thank you.
जा जाकर गड्ढा खोद। तेरा नाम जॉय है ना? इसे ले जाऊं क्या? चला जा। फादर, अपनी जिंदगी बचाने के लिए ही सही, पर कॉन्फेशन बताना गलत नहीं था क्या? फादर कभी भी अपना कन्फेशन किसी से शेयर नहीं करते, भले ही कुछ भी हो जाए। हाँ वैसे ज्यादा और बोलूं क्या? अंदर साहब बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। अब हमें समझ आ गया है कि यहाँ का असली गुनाहगार कौन है। जब लाश को गड्ढे से बाहर निकाला था ना, तो बहुत लोगों को लगा कि तू ही है। मैं? और वैसे भी तू किसी काम का नहीं है। तुम ही तो बहुत दिनों से दिखे नहीं, इसीलिए। आप एकदम सही कह रहे हो भाई, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसलिए बाहर गया था कमाने के लिए। और हम यहाँ पे लाश निकाल रहे हैं। अरे देख भाई, अरे दिखाई दिया क्या? अरे चलो 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 पीछे, इसके पीछे जा। सुन, ये सही कह रहा है। क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो, कोई जगह नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है। हाँ हाँ, वहाँ पे देखना क्या हो रहा है। क्या हो गया? मना किया ना? क्या हो? कौन है ये? क्या यहाँ पे किसी का कन्फेशन लेने वाले हैं क्या? अरे इसे पीछे करो ना। मैं दोबारा साड़ी की दुकान पे कदम नहीं रखूंगा। फादर, मैं क्या बोलूं? फादर, मैं वो अरे देखिए देखिए, फादर आ गए हैं। जो ऐसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। ओके, वो अंदर है। मुझे लगा नहीं था कि जाने से पहले तुमसे मिल पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और चर्च पर तो झंडा लहराया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से देखने के लिए तुम नहीं रहोगे जोई। पर तुम भी नहीं रहोगे उसे लहराने के लिए, है ना आदरणीय फादर? शायद वो मुझे किसी भी तरह भी ले जाएंगे, पर अगर मैंने ये मर्डर किया है, तुमने उसे दफनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा फादर। तुम्हें ही अपना सर बचाना होगा जोई, और मेरा सर तो वो गॉड संभाल लेगा। उस दिन तुमने मुझे जो दिखाया था, वहां पर कुछ और भी चीजें हुई थी ना, देखना चाहते हो? तुम वहां पर पहले आए थे क्योंकि तुम्हें यकीन था कि मैं आकर गड्ढा खोदूंगा और वहीं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी मैंने। आता ना, अगली बारिश से पहले तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। विंसेंट जो बोलता है वो करता भी है जोई। हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे कि रात में लाइट कौन फोड़ रहा है। इसने मुझे राय दी कि कैमरा लगा देते हैं, वो भी एक पेड़ पर, उससे मदद मिलेगी। तो आज हमें उसी से फुटेज मिला है और उसे देख रहे थे तब हमने ये देखा। हमसे गलती हो गई फादर, हमें माफ कर दीजिए, सच कह रहा हूं।
विशु आदेश देता है और प्रीस्ट वो सुनता है। जोई, तुमने लिसी को भी मार दिया ना? लिसी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पर ये बात किसी तीसरे इंसान को नहीं पता चलना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम मर जाओ और मैं उसे भी मार दूंगा। जॉय, देखो मैंने झूठ कहा था। मैंने बस तुमसे बहस जीतने के लिए झूठ कह दिया। मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास करो मेरा। मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए जो मुंह में आया बोलती गई। मैंने झूठ कहा तुमसे। मुझे लगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए कर रही है, नहीं तो एल्दोस का नाम क्यों लेती? वो किसी भी अजनबी का नाम ले सकती थी। तुमने अभी भी नहीं बताया जोई कि तुमने उसे मारा या नहीं। मैंने उसे मार दिया फादर, जब मैंने वो सब सुना। जो पानी उसने पिया था उसमें जहर था। उसने सब कहा फिर उसके बाद पिया। उसने मुझसे दूसरे आदमी का नाम लिया था। मैं अपनी बच्ची को चाहता था, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी मार दिया एल्दोस को भी। फादर, मैंने ये सब किया, मेरी बच्ची को नहीं पता चलना चाहिए। मेरी बच्ची को नहीं पता चलना चाहिए। क्या करें? क्या हो गया? चलो पीछे चलो। नहीं नहीं, हुआ क्या है? लेकिन चलो चलो, हटो हटो, हटो हटो, चलो हटो, चलो हटो, साइड हो जाओ, हटो, चलो हटो, हटो हटो, पीछे 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 हटो, हटो, धक्का मत दो, ले जाओ इसे, ले जाओ। अच्छा, नालायक कहीं का फादर, मुझे कुछ कन्फेस करना है।